हेलो दोस्तों, यदि आप अपने YouTube वीडियो के लिए एक्स रिकॉर्डर का प्रयोग कर रहे हैं तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में मैं कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग बताऊंगा जो आपको एक्स रिकॉर्डर से वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए हेल्प करेगी। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें जो सेटिंग है वो ऑडियो सेटिंग, आपको क्या करना है दोस्तों, ये ऑडियो सेटिंग में आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे 4-5 ऑप्शन है। एक तो है माइक्रोफोन, इंटरनल ऑडियो, इंटरनल एंड माइक्रोफोन एंड म्यूट। तो दोस्तों आप जैसे अगर ये इंटरनल ऑडियो आप लेना चाहते हैं तो इंटरनल पे क्लिक कर देना, और यदि इंटरनल एंड माइक्रोफोन पे क्लिक करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक कर दो। तो दोस्तों आपको यहाँ पे माइक्रोफोन पे क्लिक करना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिकली यदि आप कोई माइक इंटरनल माइक यूज़ करते हो तो वो अपने आप से डिटेक्ट कर लेगा, ले लेगा। तो अब इसकी जो सेटिंग है दोस्तों, आपको क्या करना है माइक पे, यहाँ पे आपको जो 150 है आपको 150 कर देना, क्योंकि दोस्तों वेस्ट यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी आती है। और यहाँ पे जो नॉइस रिडक्शन है दोस्तों, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना, क्योंकि जब आप वॉइस को रिकॉर्ड करोगे तो जो बैकग्राउंड नॉइस होती है वो यहाँ से रिडक्शन उसको कर देगा। आपको क्या करना है, अब यहाँ से रिवर्स आ जाना है। अब आप यहाँ पे आप देख रहे होगे यहाँ पे वीडियो सेटिंग, तो आपको क्या करना है वीडियो सेटिंग पे आप क्लिक कर देना। वीडियो सेटिंग में दोस्तों आपको यहाँ पे रेजोल्यूशन में 1080 पे क्लिक कर देना, क्योंकि यहाँ पे वेस्ट वीडियो क्वालिटी होगी, यहाँ पे HD में वीडियो बनेगी। और इसको दोस्तों आप अपने हिसाब से दोस्तों वो डिक्रीज़ भी और इंक्रीज़ भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्वालिटी पे आपको क्या करना है, क्वालिटी पे दोस्तों यहाँ पे 16 MBPS पे क्लिक कर देना। फिर है PPFS, तो यहाँ पे आपको क्या कर देना, 60 PPS कर देना, क्योंकि यहाँ से ऑडियो क्वालिटी अच्छी होगी वीडियो में जो आप रिकॉर्ड करते हो। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे रिवर्स हो जाना है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे ओरिएंटेशन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको क्या करना ओरिएंटेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना। तो जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दोस्तों यह 3 मोड आते हैं, एक तो ऑटो मोड। अब ऑटो मोड पे दोस्तों आप क्लिक करोगे, आप अपने फ़ोन को या हॉरिजॉन्टल रखो पकड़ोगे या वर्टिकल पकड़ोगे, अब वो ऑटोमेटिक अपने हिसाब से स्क्रीन को ले लेगा। और यदि आप लैंडस्केप में करना चाहते हो तो दोस्तों यहाँ पे लैंडस्केप पे कर देना, और पोर्ट्रेट पे चाहते हो तो पोर्ट्रेट पे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे लैंडस्केप करके रखा है, आप अपने हिसाब से कर लेना जैसे आप वीडियो रिकॉर्ड करना चाहते हैं। इसके बाद दोस्तों आप नीचे आप आओगे तो यहाँ पे आप देख रहे हो जो रिकॉर्डिंग मोड है दोस्तों, आपको यहाँ पर रिकॉर्डिंग मोड में क्या आपको क्या करना है, नॉर्मल मोड पे क्लिक करके रखना है। परफॉर्मेंस मोड पे करोगे तो थोड़ी दोस्तों प्रॉब्लम होगी, तो आपको क्या करना है यहाँ पे नॉर्मल मोड पे क्लिक करके रखना है। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे है काउंट डाउन, यानी कि जब वीडियो स्टार्ट करोगे आप तो कितने सेकेंड बाद आपकी जो वीडियो है स्टार्ट हो जाएगी रिकॉर्ड होना। तो यहाँ पे मैंने 3 सेकंड करके रखा है, और यदि आप 5 सेकंड करना चाहते हो तो 5 सेकंड कर लो। जैसे आप क्लिक करोगे तो 5 सेकंड बाद आपकी जो वीडियो है वो रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगी। अब इसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पे है हाइड रिकॉर्डर सेव विंडो। तो दोस्तों यहाँ पे प्रो वर्जन लेना पड़ेगा, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, आप यदि चाहते हो तो आप इसको परचेज़ कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे हाइड फ्लोटिंग वाल्व ड्यूरिंग रिकॉर्डिंग, तो ये कह रहा है आप जो भी फ्लोटिंग वाल्व है दोस्तों जो शो होगा, जैसे कि मान लो तो ये फ्लोटिंग वाल्व है ये शो होगा, आप इसको यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों ये फ्लोटिंग वाल्व बंद हो जाएगा जब रिकॉर्डिंग के दौरान। तो दोस्तों आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको बीच में जब रिकॉर्डिंग को बंद करना होगा तो ये शो ही नहीं होगा, तो आप रिकॉर्डिंग को कैसे बंद करोगे। फिर दोस्तों दूसरा ऑप्शन है, आप यदि कैमरा लाना चाहते हैं, यानी कि रिकॉर्डिंग दौरान आप कैमरा लाना चाहते हैं अपनी स्क्रीन पर, और आप चाहते हैं कि आपकी जो स्क्रीन दिखाई दे, आपका जो आपके फेस है वो शो हो, तो आपको क्या करना है यहाँ से कैमरा मोड पर ला के ऐसे फेस आप ला सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पर कैमरा को मैं बंद कर दे रहा हूँ। इसके बाद दोस्तों यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वीडियो के रिकॉर्डिंग के दौरान, तो दोस्तों यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो ब्रश है, आप जो ये ब्रश है इस पर आप इनेबल कर दोगे तो आप किसी भी मार्किंग कर सकते हो, जैसे मैं मार्किंग कर रहा हूँ वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान पे। अब आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कस्टमाइज फ्लोटिंग वाल्व, तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आप ये फ्लोटिंग वाल्व भी दोस्तों उसको उसका साइज़ है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। ये आप देख रहे होंगे यहाँ पर, आप ध्यान से देखना इसका जो साइज़ है दोस्तों वो ये कम ज़्यादा आप कर सकते हो। ये देखो, यानी कि आप रिकॉर्ड करो तो इसका साइज़ ज़्यादा शो ना हो। इसके बाद दोस्तों जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ पे आप जो टाइम रिकॉर्डिंग, यहाँ पे आप इसको इनेबल कर सकते हैं। और दोस्तों जितनी भी इंपॉर्टेंट सेटिंग थी मैं आपको बता चुका हूँ, बस इतनी ही सेटिंग है दोस्तों। ये आप सारी सेटिंग कर लोगे तो आपकी जो वीडियो की जो क्वालिटी होगी बहुत ही अच्छी होगी। मैं ये वीडियो आप अपलोड करूँगा तो आप अपने हिसाब से समझ जाओगे कि क्वालिटी इसकी कैसी है। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगती है। और वीडियो को लाइक करने के बाद दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।